सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम शुभदा यादव है, मेरे पति का नाम है ललित राज यादव, और पिछले 15 साल से जो है ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पंचायत में, इस क्षेत्र में। किस जगह से और किस पद के लिए इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, ये जानकारी दीजिए। हाँ, मैं मधुबनी बेनीपट्टी क्षेत्र संख्या 8 के जिला पार्षद पद से लड़ रही हूँ इस बार। अगर आप चुनकर जनप्रतिनिधि के तौर पे अगले 5 सालों के लिए आते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मेरी प्राथमिकता यही होगी कि कैसे भी विकास होना चाहिए, मैं हर पॉसिबल बोलते हैं ना कोशिश करूंगी हर क्षेत्र में, मतलब जो भी जिला परिषद के अंडर में आता है, जो भी ड्यूटी आता है वो तो मैं अच्छे से करूंगी, लेकिन विकास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा क्षेत्र काफ़ी पीछे है। मैं देखती हूँ, गाँव में घूमती हूँ, जाती हूँ, मुखिया का भी मैंने एक बार चुनाव लड़ा था, पूरे गाँव में घूमी, खास करके जो महिलाएँ हैं वो हमारी काफ़ी पिछड़ी हुई है, तो मेरा रहेगा कि विकास होना है, विकास तो करना ही है, लेकिन औरतों को भी जो है ना थोड़ा उठाना है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, उनका सोच होता है, उनके पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है मुझे, ये मेरा प्राथमिकता होगा। अगर आप आएंगे चुनकर जनप्रतिनिधि के तौर पर अगले 5 सालों के लिए पंचायत चुनाव के माध्यम से, तो आपका रोड मैप क्या होगा, विजन क्या होगा इस क्षेत्र के लिए? यही होगा कि जैसे कि देखिए स्कूल वगैरह में कंप्यूटर बिल्कुल नहीं सिखाया जा रहा है गांव घर में, तो मैं चाहूँगी अगर मैं जीत जाती हूँ, मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने के लिए, तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि स्कूल में कम से कम 2 कंप्यूटर में डालूँ, बच्चे उसमें सीखें कैसे उनका मतलब अच्छा यूज़ करना है, और क्योंकि और जैसे कि ये APHC प्रोग्राम आपको सिर्फ अभी पेपर पे ही चल रहा है, तो मैं चाहूँगी, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि ये कैसे भी मतलब चालू हो, स्वास्थ्य विभाग उसमें डॉक्टर्स को जो है नियुक्त कर किया जाए, और हर पंचायत में कम से कम 1 एम्बुलेंस हो ताकि लोगों को शहर जाने में जो है ना सुविधा हो, लोग परेशान हो जाते हैं, गाड़ियाँ करते हैं, तो एम्बुलेंस रहेगा तो लोग के लिए ईजी रहेगा बाहर जाना। और युवाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे मधुबनी में मैं देखती हूँ मेरे भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं होता है स्कूल में, कहीं भी नहीं होता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि युवाओं को जो है बॉयज़ हो गर्ल्स हो उनके लिए स्पोर्ट्स का जो बोलते हैं ना क्षेत्र है उसको मैं मतलब चालू करवाऊँ, उनके लिए रास्ते खोलूँ और चौमुखी विकास में करूँ। धन्यवाद। मेरा नाम ललित राज यादव है और मेरा घर भोदली है, परकोली पंचायत, जो कि बेनीपट्टी प्रखंड में आता है। किस जगह से और किस पद के लिए आपके प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में है, ये जानकारी दीजिए। मधुबनी जिला के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 से। अगर आप चुनकर जनप्रतिनिधि के तौर पर अगले 5 सालों के लिए आते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी इस क्षेत्र और लोगों के लिए? सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम लोग ध्यान देंगे, उसके बाद जो भी ऐसा काम आता है जो जनता को ऐसा लगे कि मेरी ज़रूरत है, उसमें हर चीज़ में हम लोग काम करेंगे। अगर आप चुनकर आते हैं तो आपका रोड मैप और विज़न क्या होगा इस क्षेत्र के लिए? सबसे पहले लोगों को नेता से आशा ये रहता है कि जब भी हमारी कोई भी परेशानी हो तो नेता हमारे पास पहुँचे और उस परेशानी को समाधान करे। मैं 15 साल से करीब लोगों के बीच में हूँ और जहाँ भी जिसको ज़रूरत पड़ा मैं वहाँ पहुँचा और उनका काम किया, वो भी बिना घूस के बिना पैसा के। आज के दौर में गांव घर में देखते होंगे जो भी नेता बनते हैं या नेता का नाम अपना देते हैं तो सिर्फ कमाने के भी उसे, जो कैसे करके जो है लोगों से पैसा कोई भी काम में, थाना पुलिस करते हैं उसमें भी कुछ कमा लेते हैं, यदि किसी मजबूर गरीब का कोई यदि हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो उसमें भी कमाने का आशा रखते हैं। ब्लॉक अनुमंडल पे तो आप तो जानते हैं जो भी काम होता है बिना पैसा का नहीं होता है, तो जो पदाधिकारी भी कुछ लेते हैं या कोई वहाँ पे जो स्टाफ हैं वो भी लेते हैं, और उनके साथ साथ ये जो गांव के जो नेता होते हैं जो अपने आप को नेता कहते हैं वो भी उसमें से कुछ लेते हैं, तो क्या होता है जनता पे भारी बोझ पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग नेता कभी भी समाज सेवक बने तो बिना पैसा का उनका काम कराएं, बिना घूस का काम कराएं, ताकि उन पे बोझ कम पड़े। पिछले दौर आप देखे होंगे कोरोना काल में जब प्रवासी सब बाहर से आते थे यहाँ पे, मतलब गांव के लोग तो छोड़िए, अपना पिताजी अपना घर के लोग भी उनसे अपना दूरी बनाते थे। उस काल में
मैं अपने पूरे परिवार को छोड़कर सुबह 6 बजे निकलता था और रात में 10 बजे 11 बजे वापस आता था, और हर जगह जहाँ जहाँ कैंप रहता था प्रवासियों के लिए, स्कूल में जहाँ भी हो वहाँ मैं पहुँचता था, और उन लोगों की क्या क्या कमी है वो मुखिया से ज़बरदस्ती करवा के, कहीं कहीं नहीं मानते थे, बोलते थे नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन उन लोग से मैं करवाता था, उन लोग को जो भी कमी होता था मैं उनको पूरा करवाता था। घर के लोग डरे रहते थे जो ऐसे कोरोना काल में ये बाहर से आए हैं इनको भी कोरोना लगा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल डरता नहीं था और अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों को हमेशा सेवा मैंने किया। आज 15 साल हो गया, 15 साल में जहाँ जहाँ लोगों ने बुलाया मैंने वहाँ जाकर काम किया, इसीलिए मेरे पास कार्यकर्ता की कमी नहीं है और काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अब यदि हमारे प्रत्याशी यदि जीत कर आते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य और गांव में हम लोग को जिला परिषद में वैसे भी सुनता हूं कि काम कम होते हैं, फंड कम होते हैं, बाहर भी यदि कहीं कोई कमी होता है मुझे लोग बोलते हैं नहीं यहाँ ये काम चाहिए वो काम चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा मुखिया से हो चाहे प्रमुख से हो चाहे BDO से हो SDO से हो जिससे भी हो जिला तक, और वैसे भी मैं जिला में रहता हूँ और ये जिला परिषद पद जो है गांव से लेकर जिला तक यदि पहुँच आपका है तभी आप सही से काम कर पाएंगे। अभी के दौर में क्या होता है गांव के लोग जो गांव में जो रहते हैं वो बन जाते हैं और जिला तक उसका पहुँच नहीं रहता है और लोगों के लिए वो पूरा शून्य रहता है, जो जानकारी नहीं रहता तो काम क्या करेगा। सरकार जो भी फंड देते हैं उसी को काम चला के अपना बस काम निकाल लेता है 5 साल, इसीलिए जनता उनसे रुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन मेरे में ऐसा नहीं होगा। मैं हर काम को अंजाम दूंगा, चाहे वो जितना भी बड़ा हो छोटा हो सभी काम को अंजाम दूंगा। जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने 15 साल लोगों की सेवा किया मैंने, अब उसका चाहता हूं कि एक बार बिना पद का मैंने काफ़ी काम किया, बिना पावर का काफ़ी काम किया मैंने, एक बार मुझे मौका दीजिए जब मैं पावर में रहकर इससे ज़्यादा मैं काम कर सकूं। जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पिछले 15 साल से जो हैं ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे मौका दीजिए ताकि मेरे हस्बैंड वो तो एवर रेडी है, हमेशा तैयार ही आप लोग की सेवा करने के लिए, प्लस मैं भी उसमें जो जुड़ जाऊँगी ना तो इससे क्या होगा कि डबल विकास होगा। अब जैसे कोई मीटिंग ही होगा, मान लीजिए जिला पार्षद का मीटिंग होता है, कुछ भी होता है, अगर आप दूसरा कोई कैंडिडेट जाएगा तो उसका पति जितना उसको बताएगा सिखाएगा वो उतना ही काम करेगी, हो सकता है नहीं भी बोल पाए मीटिंग में, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है, मैं पढ़ी लिखी एजुकेटेड हूँ आप लोग के बीच में, मैं अपने तरफ से भी वहाँ पर आप लोग का बोलते हैं ना जो भी प्रॉब्लम है विकास के लिए मुझे क्या चाहिए वहाँ पर मैं मांग कर सकती हूँ बिंदास, तो वहाँ पर क्या है गवर्नमेंट को मेरा हेल्प करना पड़ेगा और मैं आप लोग का फिर जब आप लोग मुझे मौका देंगे तभी मैं आप लोग का विकास कर पाऊंगी। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।